नमन नमस्ते नमस्कार, मेडिकल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईएनटी की। ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट, कितना जरूरी है। जैसे हम सब लोग जानते हैं, हमारे तीन मेन सेंस ऑर्गन्स हैं, कान नाक और गला, और ये तीनों एक श्रवण शक्ति, एक हमारे सूंघने की शक्ति और सांस लेने का यंत्र, और गले में हमारे खाने पीने और सांस का मेजर तरीके से अंदर जाने का यंत्र है। तो ये लो, ये जो पूरा का पूरा ट्रैक होता है, ये एक बहुत ही सेंसिटिव चमड़ी से लाइंड होता है, जिसको कलमनर एपिथीलियम कहते हैं। और इस एपिथीलियम को मौसम से, खाने पीने से, वायरसेस से और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बहुत फ़र्क पड़ता है। सो हालांकि इसमें अपने अंदरूनी प्रोटेक्शन के लिए भी फंक्शन है, लेकिन जब मौसम बदलता है तो इस पे विशेष फ़र्क पड़ता है, ख़ासकर बारिशों का मौसम। तो मैं आपको बताऊंगा एक एक करके कि किन किन स्थितियों में ये सब ऑर्गन्स परेशान होते हैं। जैसे कि कान, जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला एरिया हो सकता है। हमारे दोनों साइड के कानों में पर्दा है और पर्दा काफ़ी अंदर जाके होता है, और इसमें अक्सर मॉइस्चर फंसने की प्रॉब्लम लोगों को तंग करती है, जिसको हम ईयर वैक्स कहते हैं। और ईयर वैक्स अगर अंदर बहुत समय तक रहे और बाहर ना निकले, तो ना सिर्फ श्रवण शक्ति यानी सुनने की शक्ति वीक होती है, पर साथ ही साथ उसमें फंगल इन्फेक्शन यानी फफूंदी का इन्फेक्शन, जिसको ओटोमाइकोसिस कहते हैं, वो चीज़ भी आती है। और बारिशों के दिनों में कई गुना ये बढ़ जाता है, क्योंकि फफूंदी हवा में होती है। और इस स्थिति में अगर आपके कान में अचानक ब्लॉकेज बढ़ जाए या आपको यकायक खुजली होनी शुरू हो जाए, तो ज़रूरी चीज़ ये है कि आप इस चीज़ में ध्यान रखें कि आप कान को थोड़ा ध्यान से साफ़ करवाएं। मोस्ट लाइकली आपको एक कान नाक गला विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके पास आप जाके अपना कान दिखाएं। वो सिंपल से प्रोसीजर से अगर ये सफाई हो जाए और कुछ एंटी फंगल ट्रीटमेंट दिया जाए, तो आपका कान बड़ी बीमारी से बच सकता है। ना करने पर कान में पर्दे में सुराख होना, लगातार बहना, और जिन लोगों को और मधुमेह या ऐसी बीमारियां हैं, उनको और ज़्यादा ब्रेन तक इन्फेक्शन पहुंचने का डर हो सकता है। तो ये ध्यान कान का रखना है। नाक और गले को मैं इकट्ठे आपको बताऊंगा। ज़्यादातर ये ग्रस्त होते हैं बारिशों के मौसम में, बरसाती बुखार, बरसाती खांसी, ज़ुकाम से। और इसका कारण फिर से वो है, चीज़ें साफ़ नहीं रहती। अगर आपके हाथ में कीटाणु लगे हैं, तो वो बहुत देर तक बारिश के दिनों में ज़िंदा रहते हैं। तो इसी वजह से इन जगहों पे इन्फेक्शन होने का कि तादाद एकदम बढ़ जाती है। तो जो भी खाएं पिएं, उसको एकदम साफ़ सफाई से खाएं। तौलिए, गीले तौलिए बाहर टंगे हुए हैं, उनको कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें, भले ही वो आपके अपने घर के सदस्य हों। तीसरी चीज़, आपको सफाई का ध्यान रखने के साथ साथ खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। ठंडी चीज़ें, बाज़ारी चीज़ें, आइसक्रीम वगैरह, ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा अवॉइड करें इन दिनों में, क्योंकि ये खाना इन दिनों के मौसम के लिए थोड़ा ख़राब रहता है। साथ ही साथ जितना हो सके अपने घर का खाना खाएं। आपने देखा होगा आजकल के लॉकडाउन के माहौल में, क्योंकि ये लोग फॉलो कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों में फ़ायदे हो रहे हैं। तो जो लोग नुकसान में चल रहे थे, उन्होंने घर में रह के अपने घर का खाना होटलों लोगों का थोड़ा कम किया, तो उनको फ़ायदा हुआ है। तो बरसातों में खाने पीने का ध्यान, कान में पानी ना जाए, ये चीज़ों का ध्यान, अपने तौलिए कपड़े एक्स्ट्रा साफ़ रखने का ध्यान, ये जिम्मेदारी अगर आप रखेंगे, तो आप अपने कान ना गले से काफ़ी संतुष्ट रहेंगे। और इससे ज़्यादा अगर हम नीचे की बात करें, तो बीमारियों में एलर्जी का के लक्षण बहुत बढ़ जाते हैं। कान नाक गले की एलर्जी, छींकें आना, ज़ुकाम ज़्यादा देर रहना, सांस फेफड़ों का फूलना, ये सब भी बरसातों में ज़्यादा होता है। फिर वही बात है कि नमी की वजह से फफूंदी आने का कारण। तो इसलिए दमे वगैरह की भी इंसिडेंसेस इस मौसम में बढ़ सकते हैं, और आपको सांस की तकलीफ़ हो रही हो या आप ज़रूरत से ज़्यादा खांस रहे हो, तो आपको एक विशेषज्ञ की चिकित्सा लेना ज़रूरी है।